सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संजय। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। न डंडा ना अंडा, केवल पढ़ाई का फंडा। आज मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। संबंधवाचक में जो शब्द आते हैं, जो वर्ड्स आते हैं, वो होते हैं हू, हुम, हुज, विच, दैट, व्हाट। हु का प्रयोग कहाँ करेंगे, हुम का प्रयोग कहाँ करेंगे, हु का मीनिंग क्या होता है, हुम का मीनिंग क्या होता है वाक्य के अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है प्लीज़ ड्रॉप द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु का मीनिंग होता है जो जिसने एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया जाएगा वाक्य के अंदर, और हुम का मीनिंग होता है जो, जिसकी, जिसे, जिसका, यानी कि वाक्य के अंदर हुम का प्रयोग एज ए ऑब्जेक्ट ही मिलेगा आपको। अब मैंने आज दो ही वर्ड लिए, हु या हुम, सो इसी से रिलेटेड मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हु इज एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन आप काउंट करेंगे और हुम को एज ए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन काउंट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो पहला यूज है वो है नाउन प्लस हु। ये डूअर होता है, परफॉर्मर होता है। जब भी आपको हु मिल जाए तो वह कैसे फाइंड आउट करेगा यहाँ पे हुम लगाना है या हु लगाना है। तो जहाँ पे हु लगेगा वो एज ए ही का भी प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जहाँ पे हु वहाँ पे ही भी लग सकता है, जहाँ पे ही है वहाँ पे हु भी लग सकता है, जहाँ पे हिम है वहाँ पे हुम लग सकता है। यानी कि ये एज ए ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं आप, ये एज ए ऑब्जेक्ट ही प्रयोग किया जाते हैं दोनों ही, और ये एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ही एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे पहला यूज है, यूज लिखा हुआ है कि नाउन प्लस हु, यानी कि माई वाइफ हु इज अ टीचर हैज कम। मेरी पत्नी जो कि एक अध्यापक है आ चुकी है। कौन आया है? उसकी वाइफ। तो इसलिए वहाँ पे हु का प्रयोग किया है। यहाँ पे हुम का प्रयोग नहीं करेंगे, माई वाइफ हुम इज अ, ये गलत हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हु खुद एक डूअर है, करने वाला है, इसलिए वहाँ पे हु का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पे देखते हैं, दिस इज द बॉय हु ब्रोक, जिसने ग्लास तोड़ा था वो लड़का, यानी कि वही लड़का हु, जो, दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई ग्लास, जिसने मेरा ग्लास तोड़ा था वो लड़का। नेक्स्ट पे देखते हैं, ही हैज मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। कौन हैं बहुत सारे फ्रेंड्स? यानी कि हु आर टीचर्स, जो कि अध्यापक हैं। हुम आर टीचर्स नहीं होएगा, हु आर टीचर्स, जो अध्यापक हैं। हिंदी पे भी जा सकते हैं जो। शी नीड्स अ पर्सन, नेक्स्ट है शी नीड्स अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स हर, उसे एक इंसान की जरूरत है जो उसे समझता हो, जो उसे समझ सके। उसको, उस लड़की को एक ऐसा इंसान उसकी जिंदगी में चाहिए जो उसे समझता हो या समझ सके। नेक्स्ट यूज है वन हु। अब यहाँ पे जब वन हु आपको मिल जाए, वन प्लस हु, तो ये सिंगुलर के लिए यूज करेंगे। वन हु रीड्स दिस बुक अंडरस्टैंड्स द ग्रामर, जो इस किताब को पढ़ता है समझता है पूरी व्याकरण को, ग्रामर को। दोज हु रीड दिस बुक, यानी कि आप देखें, दोज हु प्लूरल है, वन हु सिंगुलर है। यहाँ पे मैंने वर्ब लगाई है सिंगुलर, वन हु, क्योंकि वन यहाँ पे सिंगुलर है और उसी के लिए मैंने यहाँ पे रीड्स लगाई है। और दोज इससे पहले इसका एंटीसीडेंट है, यानी कि हु या हुम से जो भी पहले नाउन आएगा वो इसका एंटीसीडेंट होता है, और उसी के हिसाब से हम उसके लिए वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोज के लिए हमने रीड लगाया है और वन के लिए हमने रीड्स लगाया। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वन हु वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस, जो कोई भी मेहनत करता है सफलता प्राप्त करता है, जो भी कोई मेहनत करता है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे वर्क्स हार्ड, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगी है और यहाँ पे इससे पहले इसका एंटीसीडेंट है वन। तो हु से पहले जो भी सब्जेक्ट होता है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी वर्ब को फॉलोअप करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वन हु का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट, जहाँ पे खुद करता होता है। मैं हुम का प्रयोग बताया से होता है, देख लेंगे एक बार ध्यान से, एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। द वन, द पर्सन हुम आई लव। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, द पर्सन हुम आई लव, जो परफॉर्मर है वहां पे, ये हुम नहीं है, द पर्सन
नहीं है, यहाँ पे ये है आई लव, जिसे मैं प्यार करता हूँ, यानी कि मैं जिसे प्यार करता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ वो मेरी माँ है। तो यहाँ पे जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ये पर्सन है और परफॉर्मर यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे इसलिए हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है होम का, जिसको। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई मेट राम होम यू इन्वाइटेड, जिसको इन्वाइट, जिसके ऊपर काम हुआ है, जिसको इन्वाइट किया गया, जिसको, जिससे प्यार किया गया है, जिससे प्यार करते हैं। तो यहाँ पे भी एज ए ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे भी होम एज ए ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम हुआ, जिसने काम नहीं किया है, यानी कि होम जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट है, उसका कोई करता नहीं है, वो उसके ऊपर काम किया गया है, एज ए ऑब्जेक्ट है वो। तो यहाँ पे होम का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, दिस इज द बॉय होम ऑल प्रेज्ड। अब सभी करते हैं उसकी तारीफ, सभी उसको तारीफ करते हैं, लेकिन ये वो लड़का है, ये खुद काम नहीं कर रहा है, ये ऑल सारे कर रहे हैं लेकिन इसका कोई काम नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने होम लगाया है, एज ए ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम हुआ है, यानी कि इसकी तारीफ हुई है, इसको इन्वाइट किया गया है, इसका, इसको प्यार किया गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट था हु का, और यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट, वहाँ पे खुद करता हु है और यहाँ पे होम जो है एज ए ऑब्जेक्ट है। आई होप समझ में आया होगा। एक प्रयोग और है, यूज थ्री, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जहाँ पे हु है वहाँ पे आप सब्जेक्ट ही का प्रयोग करके देख सकते हैं, आपको एग्जैक्टली मीनिंग क्लियर हो जाएगा। और जहाँ पे हिम आता है, यानी कि वहाँ पे एज ए होम आप लगा सकते हो, आपको इसका प्रयोग पता लग जाएगा कैसे इसका। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ, आई थ्रू द बॉल टू हिम, आप देख पा रहे हैं आई यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर आई की जगह पे आप यहाँ पे हु लगा देंगे, हु पिक्ड अप द बॉल, तो आंसर हमारा मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बॉल पकड़ने वाला एज ए सब्जेक्ट हमने यूज किया, यहाँ पे हुम का प्रयोग नहीं होगा, हु का प्रयोग होगा, हु पिक्ड अप द बॉल, राम बायज कार फ्रॉम। अगर यहाँ पे आप ही लगा दें, ही पिक्ड अप द बॉल, हु पिक्ड अप द बॉल, तो मीनिंग क्लियर हो रहा होगा। अगर यहाँ पे देखें राम बायज कार फ्रॉम हिम लगा दें, राम कार खरीदता है उससे, या फिर होम लगा दें तो भी आपका मीनिंग क्लियर है, राम बायज कार फ्रॉम हिम, राम बायज कार फ्रॉम होम, किससे कार खरीदता है, राम, राम का कार खरीद रहा है, इसलिए यहाँ पे राम जो है सब्जेक्ट है, हु, तो भी आपका मीनिंग, आपका सेंटेंस करेक्ट है, हु बायज कार फ्रॉम होम, हु बायज कार फ्रॉम हिम, कौन किससे कार खरीदता है। तो आई होप आप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि ऑलवेज यूज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आफ्टर प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा आप प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। कैसे, प्रीपोजिशंस देख लेते हैं यहाँ पे, जोन सी है, टू, टू के बाद आप मी लगा सकते हो, टू मी, टू अस, टू यू, टू देम, टू हिम, टू हर, टू इट, टू होम, टू होम भी आ सकता है, फ्रॉम होम, विद होम, अराउंड होम, विदाउट होम, कि जो भी प्रेपोजिशंस होती हैं इनके बाद आपको एज ए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना होता है। और एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम और होम, तो वहाँ पे होम का भी प्रयोग हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एक एक्सरसाइज छोटी सी दी हुई है मैंने, चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये आप सभी साथ करेंगे मेरे, देख लेते हैं। रीना इज अ, इज द वन हु वाज हायर्ड, रीना यहाँ पे सब्जेक्ट है, रीना इज द वन, तो यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो करता है, जिसके ऊपर काम हुआ है, रीना है, यानी कि खुद रीना को ही हायर हुआ है, तो हु आ जाएगा, रीना इज द वन हु वाज हायर्ड, रीना को जॉब मिली है, रीना ने जो हायर किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब यहां पे देखें, अब इसको समझना है आपको ऊपर वाले को, रीना इज द वन हु, तो यहां पे शी वाज हायर्ड भी लगा सकते हो, शी, इसको काट के आप अगर शी लगा लेते हैं तो भी आपका मीनिंग क्लियर है, रीना इज द वन,
शी वॉज हायर्ड। तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूं। तो नेक्स्ट है, देखें आप एक बार, डैश गोट द जॉब, यहां पे क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे या हुम लगाएंगे, यानी कि जो काम हो रहा है तो हु ही आएगा। यहां पे हु की जगह शी भी लगा सकते हो, शी गॉट द जॉब, हु गॉट द जॉब। यू गॉट इट फ्रॉम, नेक्स्ट पे है कि यू गॉट इट फ्रॉम, जैसे कि यहां पे देख पा रहे हैं आप प्रेपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद, यानी कि आपको प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगाना होता है, तो ऑब्जेक्ट में आप हिम भी लगा सकते हो, हर भी लगा सकते हो या फिर हुम भी लगा सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, डैश इज कमिंग टू द मीटिंग। आप समझ गए होंगे कि यहां पे जो भी काम हो रहा है कौन करता है, तो हु इज कमिंग टू द मीटिंग। और लास्ट वाला भी देख लेते हैं, फिर से प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगाएंगे आप, तो यहां पे हुम का प्रयोग होगा एज ए ऑब्जेक्ट में, टू हुम शुड वी गिव द बुक, हमें ये बुक किसको देनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्लैरिफिकेशन करना है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद आने वाले वीडियोज में मैं जो बचे हुए वर्ड्स हैं, हुज, विच, दैट और व्हाट, इनका भी वीडियोज़ बना के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।